तमाम भारतवासियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दरअसल आप लोग जानते हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है, सभी की नजर अभी इस चीज पर टिकी है। तो इस खबर में मैं आपको बता दूं कि अब क्या कुछ जो है वो सस्ता हो गया है, क्या चीजें हैं जो महंगी हो गई है, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो चीजें इस बजट में पेश की गई है और जिनके दाम में कमी आई है, यानी कि जो चीजें सस्ती हुई है। सोना चांदी सस्ता हो गया है, इसी के साथ साथ ज्वेलरी की बात की जाए या फिर प्लैटिनम की कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, यानी कि प्लैटिनम पर अब कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। कैंसर के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो दवाइयां भी सस्ती कर दी गई है। इसी के साथ मोबाइल फोन्स के चार्जर सस्ते कर दिए गए हैं। मछली का भोजन सस्ता कर दिया गया है। इसी के साथ चमड़े से बनी वस्तुएं, यानी कि जितनी भी लेदर बेल्ट्स है, लेदर शूज है, लेदर बैग्स है, लेदर पर्स है, लेदर से बनी जितनी भी चीजें हैं, चमड़े से बनी जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें सस्ती कर दी गई है। आगे बात करते हैं, आगे इसी के साथ पीवीसी जो फ्लेक्स बैनर होते थे, पीवीसी के जो फ्लेक्स बैनर थे, जो अमूमन तौर पर आप लोग अपनी दुकानों के बाहर लगाते हैं, एज अ उसको नेम प्लेट यूज करते हैं, एज अ उसको नंबर प्लेट यूज करते हैं, अब वो पीवीसी से बने जो फ्लेक्स बैनर है वो सस्ते हो गए हैं। देखे तमाम लिस्टें इसमें सामने आ रही है कि आज जो बजट जो है वो निर्मला सीतारमन पेश कर रही है, उस बजट में क्या कुछ चीजें हैं जो सस्ती हुई है, क्या कुछ चीजें हैं जो महंगी हुई है। तो जो सस्ती हुई चीजें हैं उसकी बात अगर की जाए तो उसमें ये तमाम चीजें आती हैं, जैसे कि सोना चांदी, आपके मोबाइल फोन्स के चार्जर, अन्य वस्तुओं की बात की जाए, ये तमाम चीजें फिलहाल सस्ती हो गई है। अब जरा नजर डाल लेते हैं उन चीजों पर जो चीजें इस समय महंगी हुई है। हालांकि जो महंगी हुई लिस्ट है वो अभी आधी लिस्ट जारी होना बाकी है। इसी के साथ अब दरअसल मैं आपको ये बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो इन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए है कहा है कि कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, मोबाइल फोन के चार्जर, अन्य उपकरण पर जो बीडीसी है, बीसीडी जो है वो 15% घटा दी गई है। इसी के साथ इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सरकार ने सोने पर और चांदी पर, यानी कि गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, 6% कर दी है। आपको मैं फिलहाल बता दूं, कस्टम ड्यूटी कम कर देने से आम लोग काफी ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि इस समय सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे थे और सोना चांदी के भाव आसमान छूने से जो मध्य वर्ग के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा इसकी मार पड़ रही है। शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय लोग शादियां कर रहे हैं, इस बीच लोग अपने घरों में लिए शादियों में जो है वो सोना चांदी खरीदते ही है, पर इस समय लगातार महंगा हो रहा है। सोना चांदी एक चिंता का विषय बना हुआ था, यानी कि एक टेंशन का टॉपिक था इस समय, और इसी पर अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि इसमें कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है और इसी के बाद सोना चांदी की कीमतें अब कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर की बात की जाए और इसी के साथ साथ फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी जो है वो घटा दी गई है, यानी कि जो आप फुटवेयर्स लेते हैं उस पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी है, लेदर से बनने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। वहीं पर दूसरी और टेलीकॉम उपकरणों महंगे हो गए, यानी कि जो टेलीकॉम उपकरण है वो इसमें बताया जा रहा है महंगे हो गए हैं। इनपुट लगाने पर कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया है अब, तो यानी कि जो टेलीकॉम उपकरण आपके हैं वो महंगे हो गए हैं। तो यानी कि आज जो बजट पेश होने वाला था उस बजट में क्या कुछ सामान सस्ता हुआ है, इसकी घोषणा जो है वो की है उन्होंने। इसी के साथ साथ अभी फिलहाल आपको बता दें, आप जितने भी लोग इस समय इस खबर को सुन रहे हैं, ये खबर आपको बिल्कुल मुद्दे की और छोटी खबर आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको इन शॉर्ट पता चल सके क्या सामान सस्ते हुए हैं, क्या सामान महंगे हुए हैं। टेलीकॉम जो है वो महंगी हो गई है, 15% कर दी गई है। तो अभी तमाम चीजें आपके सामने है फिलहाल। देखिए इससे जुड़े जैसे जैसे चीजें सामने आती रहेंगी, जैसे जैसे लिस्ट सामने आती रहेगी, वो तमाम चीजें आपके साथ रखेंगे। पल पल की अपडेट पर नजर जो है वो बनी हुई है, पर आम जनता इस समय सोना चांदी, मोबाइल फोन, चार्जर या फिर लेदर से बनी चीजें या फिर जो है मछली का खाना, जितनी भी चीजें सस्ती हुई है उन्हें किस तरह से देखते हैं, उसी के साथ आपको इससे कितना प्रॉफिट है, आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्या जो आम जनता के लिए बजट पेश किया गया है आम जनता उससे खुश है। बीसीडी की बात करूं तो 15% घटाई गई है, तो आप लोग क्या इससे खुश हैं, आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप लोग देखते रहे ऑल टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।